In the name of Allah, who is Rahman and Rahim. Today, my topic is 10 class English paper pattern. आप पिछले वीडियो में मैंने आपको 9 क्लास की जो पेपर प्रेजेंटेशन है उसके बारे में बताया था. आज मैं 10 क्लास के पेपर पैटर्न के बारे में आपको बताऊंगा. सबसे पहले जो सेक्शन ए है वो ऑब्जेक्टिव पर मुश्तमिल है, यानी कि ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स का है, 15 मार्क्स का. अभी जो न्यू किताब इनके फेडरल बोर्ड का चेंज हुआ है, तो आप उस हिसाब से जो लास्ट में जितने भी एक्सरसाइज के एमसीक्यूज मौजूद है, चाहे वो ग्रामर से रिलेट हो, चाहे वो बुक के जितने भी एमसीक्यूज है, आप वहाँ से देखें तो ये ऑब्जेक्टिव 15 मार्क्स का आपका कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद दूसरा हमारे पास सेक्शन बी के जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आंसर दी क्वेश्चन आएंगे. आपको तकरीबन 7 क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें से आपने कितने क्वेश्चन लिखना है, सिर्फ 5 क्वेश्चन लिखना है. उसके एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स है, 3 मार्क्स है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 3 है, डिस्क्राइब द पोएम. आपको कोई पोएम दिया जाएगा, नज़्म दिया जाएगा, उसको आपने अपने अल्फाज में क्या करना है, उसकी एक्सप्लेनेशन करना है. उसके बाद इस ये ए है, उस क्वेश्चन नंबर 3 के जो बी पार्ट है, रीड द स्टेंजा. आपको कोई स्टेंजा के 3-4 बंद दिया जाएगा, उसमें से 3 क्वेश्चन आएंगे. हर एक क्वेश्चन का एक एक मार्क्स होगा. 3 क्वेश्चन आपने उसको क्या करना है, स्टेंजा को पहले वर्ड से पढ़ना है, उसके बाद आपने अपने अल्फाज में उसको क्या करना है, लिखना है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 4 है, रीड द पैसेज. आपको एक पैसेज दिया जाएगा जो कि 7-8 लाइनों पर मुश्तमिल होगा. उस पैसेज को आपने पहले वर्ड से पढ़ना है, उसकी एक एक वर्ड्स आपने देखना है. कभी ये हो सकता है कि आपको कोई वर्ड्स अंडरलाइन किया होगा और बताएगा कि इसका अल्फाज इंग्लिश में इसका क्या लिखे, मेनी लिखे, ये भी आ सकता है. उसमें तकरीबन आपको 4 क्वेश्चन दिया जाएगा, उस 4 में से एक उसके टाइटल है जिसको 5 मार्क्स है. आपने उसको वर्ड से पढ़ना है तो उसको पहले समराइज करना है, उसके बाद आपने उसको क्या करना है, टाइटल देना है, इवान एक देना है, उसको कितने मार्क्स है, 5 मार्क्स है. उसके बाद जो सेक्शन सी है, ये जो सेक्शन सी है उसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो चेंज द नरेशन. आपको 6-7 नरेशन दिया जाएगा, उसमें आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपने क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है. कितना लिखना है, 4 में से कितने मार्क्स है, 4 मार्क्स. उसके बाद आपको 4 फ्रेजर वर्ब लिखने को कहेगा. आपको फ्रेजर वर्ब दिया जाएगा, उससे कहेगा कि इससे आप क्या बनाना है, सेंटेंस बनाना है. ये भी आप कितने मार्क्स का समझ है, 4 मार्क्स का. उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो एप्लीकेशन है और या लेटर. आपको या दरख्वास्त और एप्लीकेशन में चॉइस है, आपकी मर्जी है, जिसमें आपकी अच्छी कंसेप्ट जिसमें हो, चाहे एप्लीकेशन हो लेटर में, आप एक इसमें से एक को क्या करें, लिखे. उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो एस्से है. एस्से कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का. जो लेटर और एप्लीकेशन था वो 8 मार्क्स का था, और एस्से कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है. वो कितने अल्फाज पर मुश्तमिल होते हैं, 150-200. आप कोशिश करें कि जितने भी आप एस्से लिखते हुए पहले आपने उसको आउटलाइन देना है, उस आउटलाइन के बाद आप उसमें कम अज कम 4-5 अच्छा कोई अच्छा कोटेशन उस टॉपिक से रिलेट कोशिश करें, उस टॉपिक से रिलेट आप क्या करें, कोटेशन लिखें. ये कितने मार्क्स का है, 75 मार्क्स का आपका इंग्लिश का पेपर है. बहुत शुक्रिया.